Hello students, a very good morning. Welcome to part 2 of lesson number 1, that is pre-number concept. So students, जैसे last class में हमने कुछ concepts पढ़े थे, मैं एक बार फटाफट आपको brief करवा देता हूँ. हमने पढ़ा था top, bottom. Top मतलब ऊपर, bottom मतलब नीचे. Next, on और फिर हमने पढ़ा था under. जैसे ये boy है, ये चेयर पे बैठा है, मतलब ये है ऑन द चेयर. ये जो डॉग है ये कुर्सी के नीचे है, मतलब आप बोलोगे अंडर द चेयर. नेक्स्ट, फ्रंट और बिहाइंड. फ्रंट मतलब कोई भी चीज जो आपके सामने हो और उसे आप पूरा का पूरा देख सकते हो, उसे कहते हैं फ्रंट. बिहाइंड मतलब पीछे. जैसे ये ट्री जो है ये घर के पीछे है. ऑलराइट, नेक्स्ट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो है इनसाइड और फिर आउटसाइड. इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर. और लास्ट हमने पढ़ा था उस क्लास में बिफोर आफ्टर. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. ओके, तो आओ आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक फॉर टुडे इज नियर एंड फार. अभी हम टॉपिक जिसे स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका नियर और फार. तो नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब होता है दूर. जैसे कि देखो, द बॉय इज नियर द मैन, मतलब ये जो लड़का है ये इस आदमी के पास में है. तो अगर कोई पास है तो आप बोलोगे नियर. नेक्स्ट, द बस इज फार फ्रॉम द मैन, मतलब ये जो बस है ये आदमी से बहुत दूर है. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं नियर और फार. जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनके घर के एकदम पास में ही स्कूल होगी, तो वो होता है नियर द स्कूल, मतलब बच्चों का घर स्कूल के पास में ही है. एक होता है फार, मतलब कुछ बच्चों का घर स्कूल से बहुत दूर होता है, मतलब फार फ्रॉम द स्कूल. ठीक है, अब देखो नियर और फार में हम नियर और फार में हमको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है. अब देखो ये आपका हाउस है, ठीक है. अब हाउस के पास एक काऊ है और एक ट्री है. तो अब हाउस के पास कौन है, काऊ है कि ट्री है? यस, काऊ है. तो मतलब द काऊ इज डैश द हाउस. तो क्या काऊ घर के पास है या घर के दूर है? यस, वो घर के पास है ना. तो आप यहाँ पे लिखोगे नियर, मतलब जो काऊ है वो घर के पास है. नेक्स्ट, अब ये जो ट्री है स्टूडेंट्स, ये ट्री घर से बहुत दूर है, तो हम लिखेंगे द ट्री इज फार फ्रॉम द हाउस, मतलब ये ट्री घर से बहुत दूर है. ओके स्टूडेंट्स, तो आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है अबाव और बिलो. तो अबाव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे. जैसे कि आप यहां पे देखो, ये बी है, बी के ऊपर कौन है? ए. तो ऊपर का मतलब होता है अबाव और बी के नीचे कौन है? सी. तो उसका मतलब होता है बिलो. ठीक है, देखो अब हम रीड करते हैं. ब्लॉक ए, मतलब ये जो ए है is above block B, मतलब ये A B के
ऊपर है, ऊपर मतलब अबाउ. नेक्स्ट, ब्लॉक सी इज बिलो ब्लॉक बी, मतलब ये जो सी है वो बी के नीचे है, नीचे मतलब बिलो. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अबाउ मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे. ओके, तो आओ अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं अबाउ और बिलो को लेके. अब देखो इस पिक्चर में आपको दिख रही है एक प्लेन है, क्लाउड है और एक क्रो या तो एक बर्ड है, ठीक है. अब आप ये बादल को देखो पहले. अब ये जो एरोप्लेन है वो बादल के ऊपर है या बादल के नीचे है? एरोप्लेन बादल के ऊपर है ना? यस, मतलब अब हम बोलेंगे अबाव. क्या बोलेंगे? अबाव, ए बी ओ वी ई, अबाव. अबाव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे. तो क्योंकि ये एरोप्लेन बादल के ऊपर है तो हमने टिक कर दिया अबाउ पे. नेक्स्ट, ये जो बर्ड है, अब ये बर्ड क्या है? बादल के नीचे. तो नीचे का मतलब क्या होता है? बिलो. तो यहाँ पे बिलो कहाँ पे लिखा है? ये रहा, तो हमने टिक मार्क कर दिया बिलो पे. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये अबाव और बिलो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रोलिंग और स्लाइडिंग. देखो रोलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रोलिंग का मतलब होता है जब कोई चीज गोल गोल घूम के जाती है, उसे हम कहते हैं रोलिंग. और स्लाइड का मतलब होता है फिसलना. जैसे ये देखो, ये एक कार्ट है, जैसे वो हाथ गाड़ी होती है ना, तो ये एक कार्ट है. अब देखो यहाँ पे एक बॉल रखा है और एक ईट रखी है, ठीक है. और ये जो आपका कार्ट है ये ऐसे ऊपर से नीचे है, ठीक है. देखो ये कार्ट सीधा नहीं है, ये ऐसा है, थोड़ा ऊपर से ऐसे नीचे, मतलब ये ढलान पे है, स्लोप पे है. तो क्या होगा जब मैं बॉल रखूंगा? तो बॉल गोल 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 घूमते हुए नीचे चला जाएगा. मतलब वो बॉल जो गोल गोल घूम रहा है ना, उसे हम कहते हैं रोलिंग. क्या कहते हैं? रोलिंग. नेक्स्ट, अब ये जो ब्रिक रखी है, ब्रिक का मीनिंग होता है ईट. अब ये जो ब्रिक को जब मैं इस कार्ट के ऊपर रखूंगा तो ये गोल गोल नहीं घूमेगी, ये सीधा स्लाइड कर जाएगी. मतलब ये जैसी रखी है वैसे की वैसे ही वो नीचे चलने लगेगी, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग. क्या कहते हैं? स्लाइडिंग. स्लाइडिंग में क्या होता है? वो जैसा है वैसा का वैसे ही मूव करते करते नीचे चला जाता है. मतलब वो खिसकता रहता है, मूव करता रहता है और वो ऐसे नीचे आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम रीड करते हैं क्या लिखा है. द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ट. मतलब ये बॉल क्या हो रहा है? ये बॉल गोल 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 घूमते घूमते नीचे आ रहा है. तो जब कोई भी चीज गोल होती है ना, तो वो रोल करती है. क्या करती है? रोल. रोल मतलब घूमते घूमते नीचे आ जाना, ठीक है. नेक्स्ट, द ब्रिक इज स्लाइडिंग ऑन द हैंड कार्ट. अब ये जो ब्रिक है, मतलब ये जो ईट है, ये गोल नहीं है. तो कोई भी चीज अगर गोल नहीं है तो वो गोल गोल नहीं घूमेगी, वो सीधा मूव करेगी. मतलब वो सीधा खसक के नीचे आ जाएगी. तो जब कोई भी चीज खसकती है, मतलब सीधा नीचे आने लगती है, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग. जैसे देखो आप जब गार्डन में जाते हो तो आपको पता है वो एक लिसड़ पट्टी आप लोग करते हो. लिसड़ पट्टी पे आप लोग क्या करते हो? आप लोग सीधा बैठ जाते हो और वो सीधा जूम करके नीचे आ जाता है. तो उसे कहते हैं स्लाइड.
क्या कहते हैं? स्लाइड, क्योंकि आप फिसल के नीचे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बॉल के जैसे गोल गोल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर दी हुई है, एक बुक है और एक आपके पास ऑरेंज है। अब मैंने आपको बताया था कि जो गोल होता है वो क्या करता है? रोल करता है। तो ये ऑरेंज दिख रहा है, ये ऑरेंज गोल है, तो ये ऑरेंज क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये ऑरेंज रोल करेगा या स्लाइड करेगा? यस, ये ऑरेंज रोल करेगा। क्यों? क्योंकि ये गोल है। कोई भी चीज अगर गोल होगी तो वो रोल करेगी। नेक्स्ट, ये बुक है, ये बुक को अगर मैं कहीं पर रखूंगा तो ये बुक क्या करेगी? रोल करेगी या स्लाइड करेगी? स्लाइड करेगी, है ना? तो हम स्लाइडिंग पे यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 1 जो कि है प्री नंबर कॉन्सेप्ट, हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। तो हम आज के इस लेसन को, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।